चलो, इस तरह का असाइनमेंट बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले एक न्यू फाइल लेनी है, और इसमें देखना ये है कि देखिए ये जो असाइनमेंट है थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है, यानी कि ये हमारे पेज की तरह पोर्ट्रेट नहीं है। सो इस तरह के असाइनमेंट को करने के लिए हमें अपने पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पर जाके इसका जो लेआउट है, ओरिएंटेशन है, उसको लैंडस्केप पर रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेटअप हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें स्क्रीन पर, फिर जैसे आप काम करें तो आपको सहूलत रहे। अच्छा, अब सहूलत से हमें थोड़ा सा और ये भी करना है कि इसको हम ये कर लेते हैं शॉर्ट एब्सेंट कमांड्स, ताकि और थोड़ा स्क्रीन का स्पेस मिल जाए, ताकि और अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन नज़र आ जाए। अब ये वाला जो असाइनमेंट है, इसमें वर्ड आर्ट और शेप्स दोनों का इस्तेमाल किया गया है, तो किस तरह से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह के दूसरे जो आपको और काम दिए जाएंगे, तो फिर आपने वही टेक्निक यूज़ करके इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब आपके पास फ्रीडम है, शेप्स यूज़ करें, इमेजेस यूज़ करें, जो भी यूज़ करते हैं, और बेहतर से बेहतर बना लें। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो सबसे पहले गए हम इंसर्ट में, और एक ये शेप लिया। इस शेप को हमने इस तरह से फैलाना है, और कॉर्नर्स को फ्री छोड़ते हुए, यानी कि फोर साइड से कॉर्नर एक जैसे रखते हुए छोड़ते हुए इसको इस पे डिजाइन करना है। कोशिश करें कि चारों तरफ से एक जितना ही स्पेस आप छोड़ें। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बनाया आपने, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसके आउटलाइंस को जो है हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, और जो इसके अंदर वाला ऑप्शन है इसको जाके यहाँ से मोर टेक्सचर पे चले जाते हैं, यहाँ से पैटर्न पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट पैटर्न हैं हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वाला पैटर्न है, और भी पैटर्न हैं जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इस तरह का पैटर्न है। अब वैसे जो पैटर्न आप यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस जो इस पर पैटर्न यूज़ हो रहा है वो कुछ इस तरह का पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इस पर आ जाएगा। अब इस पैटर्न के अंदर का जो कलर है, वो हमने जो भी चूज किया है वो कलर आ रहा है थोड़ा ग्रीन टाइप का, हमें उसमें ब्लू कलर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लू कलर हम यहाँ से इस पर लगा देते हैं। और जो आउटलाइंस है उस पर जो कलर है वो डार्क ब्लू, आई थिंक सो, नहीं ब्लैक ही है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर ही है, तो इसको ब्लैक कलर को हम यूज कर लेते हैं। तो आउटलाइन पे ऑलरेडी ब्लैक ही कलर आ रहा है, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ से जाके इसको ब्लैक कलर दे दें, ताकि आउटलाइन किस तरह से आ जाए। तो ये इसका पहला वाला शेप जो कंटेनर है वो बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, इन स्ट्रिप्स को बनाने का तरीका ये है कि एक आप इस तरह से शेप ले लें, और उसको इस तरीके से खींच के पूरे पेज पर इस तरह से अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद इसको आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे रखें, रोटेशन हैंडल दिख रहा होगा आपको, इसको पकड़ लें, शिफ्ट का बटन होल्ड करें, और इस पर सेट कर दें इस डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे ले जाके ऐसे सेट कर दें। अब ये पहली वाली है वो ब्लू कलर के, इसमें आउटलाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके पहली वाली ब्लू कलर की बना दें, और उसमें आउटलाइन नहीं है तो यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। अब इस तरह कितनी बनानी है आपको, एक दो तीन चार बनानी है, तो इसको थोड़ा सा और क्लोज कर दें, और कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट लें, और उसको इसके पीछे एक सेम डिस्टेंस के साथ, कंट्रोल डी करके एक और सेम डिस्टेंस के साथ, इस तरह से, अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं सही है और डिस्टेंस के साथ ऐसे प्लेस करते चले जाएँ। आई थिंक हमारी वाली ज़्यादा थिक है और वो ज़्यादा थिन है, तो कंट्रोल जेड कर लें एक दफ़ा, और कंट्रोल जेड 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 जेड, तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी कम कर दें स्ट्रिप की, क्लिक करके अब शिफ्ट कर जाके इसके अंदर ब्लू कलर कर दें, और आउटलाइंस को नो आउटलाइंस कर दें, इसको नीचे लाइए, और इसको शिफ्ट के साथ इस डिग्री पे रोटेट करके ऐसे ले जाके अब लगा के देखिए, कंट्रोल डी दबाइए, डुप्लीकेट कीजिए, और डिस्टेंस के साथ कंट्रोल डी एक और डुप्लीकेट लीजिए, और यहाँ पे क्लिक करके फिर कंट्रोल डी, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, तो उस पर क्लिक करके एक ब्लैक कलर दे दें, यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आ रही है कि, तो उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इस पर कंट्रोल डी दे दें, यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे ले आइए एक और स्ट्रिप को, और इस स्ट्रिप को यहाँ पे रख के इसको ब्लू कलर दे दें, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ब्लू कलर जैसे असाइन करेंगे राइट बटन दबा के इसको सेंड टू बैक कर दें, तो ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रिप्स की सेटिंग्स बन जाएगी। ठीक है, राइट बटन दबा के सेंड टू बैक करेंगे, ठीक है, ताकि इसके पीछे चला जाए, तो ये इस तरह से इसके पीछे चला जाएगा। उसके बाद इसी स्ट्रिप को लेके दोबारा से कंट्रोल डी दबा दें, डुप्लीकेट करके इसको शिफ्ट का बटन होल्ड करें, और दोबारा से स्ट्रेट कर लें, जैसे सीधा कर लें इसको, थोड़ा सा स्ट्रिप को स्ट्रेंथ जो है उसकी विड्थ बढ़ा के उसको इस तरीके से प्लेस करने की कोशिश करें इस जगह पर। ठीक है, तो यही स्पेस है इसका,
और उसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको और कम कर लें इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल डी दबा दें, डुप्लीकेट कर लें, इसको थोड़ा सा इस साइड पर रख के नीचे नीचे ऐसा रख के लेफ्ट साइड को पूरा कंट्रोल करके फिर यहाँ से इसका स्पेस थोड़ा कम करके इस तरह से सेटअप कर दें तो ये ऐसे नज़र आएगा। फिर इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट्स का, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करके इस शेप के अलग अलग कॉर्नर्स को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको शिफ्ट का बटन होल्ड करके एक डिस्टेंस सेट करते हुए ऐसा सेट कर दें ताकि नज़र आए, फिर भी सही नहीं हो तो थोड़ा जूम कर लें, जूम करके करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आगे कर लें इसको और यहाँ से होम में जाके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके इसको शिफ्ट के साथ इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस के साथ साथ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद ये शेप तो इसका कंप्लीट हो गया, जो भी इसका स्ट्रक्चर था, अब रह जाता है वर्ड आर्ट का काम। ये जो लाइन ड्रॉ करनी है बीच के अंदर, तो ये तो आपको पता ही है कि लाइन टूल से हम लेके यहाँ से शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ कर देंगे। फिर शेप फॉर्मेट में जाके डिफरेंट किस्म की लाइंस मिल जाएंगी, जिसको जितनी थिक थिन करनी है वो यहाँ से लगा देंगे। अगर कलर्स की बात है तो यहाँ से कलर्स भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, सेव कर देते हैं इसको हम। तो ये देखिए स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ये टेक्स्ट वगैरह प्लेस करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे डिप्लोमा लिखना है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट लिखना है। तो इंसर्ट में जाना है, वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है, एक वर्ड आर्ट ले लेना है, क्लिक करना है यहाँ पे। वर्ड आर्ट का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह का फॉन्ट ले लें जो इस तरह के कामों के लिए बेहतर रहेगा। तो ये वाला फॉन्ट भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा लंबा सा फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्ट्रेच्ड फॉन्ट है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या लिख रहा है इसमें, डिप्लोमा। तो डिप्लोमा लिख देते हैं यहाँ पे, डिप्लोमा। देखिए बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया, होम में गए, फॉन्ट साइज को एनहांस कर दिया और यहाँ पे रखे इस डिप्लोमा वाले सेक्टर में फिट करने की कोशिश करनी है। एग्जैक्ट फिट ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा मजीद छोटा कर दें, ये देखिए, और इसको क्लिक करके थोड़ा सा क्लिक करके आगे ले आइए, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और बाद में अगर इनके शेप्स को इसके बराबर भी करना हो तो ये आपके इख्तियार में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और मोटा कर लें और इसको भी थोड़ा सा मोटा कर लें, तो ये देखें इसके अंदर कवर हो गया, ठीक है। अब रह गया टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल लगाना है, तो यहाँ शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ क्विक स्टाइल्स पे क्लिक करें। इसमें बना बना स्टाइल तो मिल नहीं रहा, तो ये बना हुआ एक स्टाइल है। चलो हम ऐसे कर देते हैं, टेक्स्ट को यहाँ से एक ब्लू कलर दे देते हैं, ये इस तरह से डार्क ब्लू कलर दे दें, इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी लिखना है ऊपर, तो मैं इसको ज़रा एक काम करता हूँ कि यहाँ से जो टेक्स्ट को कलर दे रहा था वो मैं ब्लू दे देता हूँ, ये वाला ब्लू, ठीक है। और इसको क्लिक करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लिया है मैंने इसका, और उस पर सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे जाके मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर टाइप कर दिया और ले जाके इसके ऊपर फिट कर दिया, सही लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्लिक करके अगर इसका कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसका ब्लैक कलर दे दें। उसके बाद ये अपना अपना नाम यहाँ पे अच्छे तरीके से टाइप कर लीजिएगा, तो इंसर्ट में जाके इसी को ले लें, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज करेंगे आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये लिखने के बाद हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है। इतना बड़ा तो नाम खैर नहीं लगेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 48 भी इनफ है, ठीक है। फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लें यहाँ पर, ये वाला भी ब्लैक कॉपर का फॉन्ट भी अच्छा है, और अगर ब्लैक कॉपर के अलावा लगाना चाह रहे हैं एरियल ब्लैक लगा लें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, तो यही वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस पर इस तरीके से आ गया। अब ये सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, और ये थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का काम है, तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको क्लिक कर दें यहाँ पे, स्ट्रेच कर दें। अब टेक्स्ट बॉक्स में देखें क्या उसने कारीगरी करेगी, कि बैकग्राउंड तो उसका है नहीं, तो होम में जाके हम इसका थोड़ा फॉन्ट इन्हांस कर देते हैं, 14 के ऊपर रख देते हैं, शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से शेप फिल को जाके नो फिल कर देते हैं। तो इस पर टेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट करके इसको भी डार्क ब्लू कलर में शो करना है, तो यहाँ जाके इसको डार्क ब्लू कलर के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट को शो करा देते हैं। फॉन्ट अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, बुक एंटिक अच्छा फॉन्ट है, ये सही रहेगा इसके ऊपर।
और सर्टिफिकेट इस प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटर पे कंट्रोल डी कर लें, इसको इसी का डुप्लीकेट ले लें, ऊपर लिख दें कंट्रोल ए कर दें, यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट साइज को कम करके 24 पे रख लें, फॉन्ट नॉर्मली एरियल यूज कर लें, नॉट एरियल ब्लैक, ये थोड़ा सा डार्क होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डार्क ब्लू कलर पे लगा दें। द सर्टिफिकेट इज प्राउडली दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू दिस सर्टिफिकेट is proudly is presented to, लिखने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है पेज के, शेप फॉर्मेट में जाएं, पोजीशंस पे जाएं, ये देखें टॉप सेंटर आ गया, बिल्कुल सेंटर, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, और यहाँ पे लेके इसको इस तरह से आप एरो की मदद से ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा डिजाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। अब रह गया, पहले आप इतना बना लें, ठीक है, और